स्वागत है आपका R9 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बल्कि बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। और ये भी बता दें कि सुनंदा पुष्कर को खुदकुशी करने के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। 2014 में दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में सुनंदा पुष्कर, जो कि शशि थरूर की बीवी थी, उनकी मौत हो गई थी और उसी के पास से आरोप लग रहे थे शशि थरूर पर। तो 17 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। थरूर पर सुनंदा को उकसाने का आरोप लगा है खुदकुशी के लिए। 17 जनवरी 2014 को संदिग्ध हालत में हुई थी सुनंदा की मौत। और ये भी आपको बता दें कि सुनंदा की जो मौत हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान भी थे। तो माना ये जा रहा है ना सिर्फ उकसाया गया था, बल्कि उनकी मौत में किसी की हिस्सेदारी भी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, शशि थरूर अब इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। 2014 के बाद 6 साल बाद उनकी मुसीबत जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ।